नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, भारत में नहीं आएगी कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर, इसका डर है बेबुनियाद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में देश के कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का ठीक से पालन नहीं किया गया और भीड़भाड़ नहीं रोकी गई तो अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। हालांकि उनके इस दावे के उलट कुछ शीर्ष वायरोलॉजिस्ट या विषाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का डर बेबुनियाद है। उनके अनुसार देश में जल्द कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर कहीं भी कोई वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जेकब जोन का कहना है कि जब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता तब तक तीसरी लहर संभव नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा कोरोना वेरिएंट संक्रमण में नई वृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकता। उनका यह भी कहना है कि जुलाई के अंत तक यह महामारी लगातार घटने लगेगी। प्रभावी रणनीति के कारण हम कोविड 19 से उभर सकते हैं। वहीं अमेरिका में रह रहे डॉक्टर रवि गोडसे ने भी कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित मुद्दों पर बात की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, अब इन शहरों में 100 रुपए के पार पहुंच गया 1 लीटर का भाव। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार तेजी जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन की स्थिरता के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, वहीं डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.23 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 मई के बाद से अब तक पेट्रोल 7 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके अलावा देश के कई शहरों में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का भाव 100 रुपए को भी पार कर गया है। दोस्तों दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल 97.50 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल 88.23 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 108.67 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 101.40 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपगढ़ शहर में पेट्रोल 108.30 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 99.31 रुपए प्रति लीटर है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में पेट्रोल 104 रुपए है, भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए है, बेंगलुरु में पेट्रोल 100.76 रुपए प्रति लीटर है, हैदराबाद में 101 रुपए और राजस्थान की राजधानी जयपुर में 104.17 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो तो भी पुलिस नहीं काट सकती अब आपका चालान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजों का रिन्यूअल 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसे लेकर सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को यह निर्देश भी दे दिए हैं। वह यह सभी दस्तावेज को स्वीकार करे भले ही वह एक्सपायरी क्यों न हो चुके हों, भले ही वो सितंबर अंत तक एक्सपायर हुए हों, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसे यह ऑर्डर वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों के लिए नहीं है। जैसे कि यदि आपके वाहन की पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PSU सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो अभी भी यह जरूरी है कि आप नई PUC के लिए वाहन का टेस्ट करवाएं। केंद्र सरकार के ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तारीख बढ़ा देने का मतलब यह नहीं है कि यदि आपको पुलिस चेकिंग में रोका जाता है तो आपके पास उक्त दस्तावेज में कोई भी नहीं है तब भी पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, COVID-19 मैनेजमेंट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहतें दी। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक करके जबरदस्त पलटवार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ज्ञानी बाबा करार दे दिया। हालांकि दोस्तों यह बात अलग है कि जब महंगाई कांग्रेस के काल में उच्च स्तर पर थी तब स्मृति ईरानी कांग्रेस पर जमकर हमले कर रही थी। वैसे दोस्तों फिलहाल स्मृति ईरानी ने कहा है कि ज्ञानी बाबा प्रधानमंत्री को ज्ञान के मोती बांट रहे हैं, ऐसे में उन्हें कोरोना को लेकर कई मामलों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चिढ़ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
लखनऊ में बैठकों का दौर हुआ जारी। लंच पर केशव मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार बैठकों और मंथन का दौर जारी है। इसी बीच आज शाम होने वाली एक अहम बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। कोर कमेटी के सदस्य के लिए मौर्य की ओर से लंच का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री के अलावा संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं को भी इस लंच का न्योता दिया गया। इनमें बीएल संतोष और कृष्ण गोपाल जैसे नाम शामिल है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक लंच के तुरंत बाद सीएम योगी वहां से निकल चुके हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार सुबह दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल समेत कुछ प्रमुख नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं भी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोर्ट में ईडी की दलील, आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था शब्बीर शाह। जी हां दोस्तों, टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार शब्बीर शाह की मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान परिवर्तन निदेशालय ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि कश्मीर घाटे में लंबे वक्त से अशांति फैलाने के लिए शाह पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मदद ले रहा था। परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि शब्बीर शाह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद से लगातार संपर्क में था और भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल था। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि शाह इसके अलावा शफी शायर के भी संपर्क में था, जो भारत की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान भाग चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, CBSE 12th एग्जाम 2021 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी 12वीं की परीक्षाएं, करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं क्लास के रिजल्ट 10वीं 12वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल में आए नंबरों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें वैकल्पिक एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह उपयुक्त स्थिति पर निर्भर करेगा। CBSE और CICSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में बने क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। जो कोई छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वह ऑनलाइन पंजीकरण करके 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होकर अपने रिजल्ट में सुधार कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मिली मंजूरी। इन दो वजहों से किया गया फैसला। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के दवा नियामक मेडसेफ ने 12 से 15 साल की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को तत्कालीन मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन को अगले सप्ताह इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 से 15 वर्ष के बच्चे अपनी बारी का आने पर टीका लगवा सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बच्चों को कोविड-19 से गंभीर बीमारी या मृत्यु का जोखिम वृद्धि लोगों की तुलना में कम होता है। फिर भी दो कारणों से उन्हें टीका लगवाना आवश्यक है। पहला, यदि बच्चे वायरस से संक्रमित होते हैं तो वे इसे अन्य लोगों में फैला सकते हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले समूह या ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगवाया जा सकता। कई देशों ने देखा कि कम उम्र के लोगों में इस बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ और यह बड़ी उम्र के लोगों में फैल गया, जिससे अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु तक की नौबत आ गई। इस वजह से न्यूजीलैंड ने यह फैसला लिया है कि वह बच्चों को भी टीका लगवाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका से रिश्ते सुधारने के पक्ष में नहीं है ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम ऋषि, बिडेन से मिलने से कर दिया साफ इनकार। जी हां दोस्तों, ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कर दिया है कि उनका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का कोई इरादा नहीं है और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा। रईसी के इस तीखे तेवर से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इब्राहिम सईदी को ईरान का अब तक का सबसे कट्टरवादी राष्ट्रपति माना जा रहा है। उन पर नरसंहार जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा और इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात का इरादा भी नहीं रखते हैं। इस दौरान रईसी से यह भी पूछा गया कि क्या वह 1988 में 5000 लोगों के नरसंहार में शामिल थे, जिसका उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं देते हुए खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताया है। तो दोस्तों, यह थी आज दिन भर की तमाम
बड़ी 10 खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ इस तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि हर खबर से आप हमेशा रूबरू रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।